पैकिंग शिफ्टिंग जिसके बार बार हो, मतलब कि हर 2-3 साल के बाद जब हमें शिफ्टिंग करना रहता है, सामान पैक करके एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो हमें एक आदत सी बन जाती है और उसके लिए हमें पैकिंग मटेरियल को भी संभाल के रखना पड़ता है जब हम सामान को अनपैक करते हैं। तो पैक करने के लिए, पैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ये 3-4 सामान हैं। जो रोल मैंने मंगवाया है, एक कार्टन का रोल है, एक बबल पेपर का रोल है और ये सेलो टेप चाहिए, और फिर एक जो पन्नी वाला रोल होता है उसको, जो हम बिल्कुल ही सिक्योर करने के लिए लेते हैं। तो कांच के सामान को पैक करने के लिए सबसे पहले इसको पोंछ पाछ के साफ़ कर लिया, और ऊपर से शीशे पर कोई स्क्रैच ना लगे तो मैंने बेडशीट, मतलब मुलायम सॉफ्ट बेडशीट उसके ऊपर लगा दिया, और अब उसके ऊपर बबल पेपर डाल करके इसे सेलो टेप से सिक्योर करेंगे। बड़े सामान को हम पैक करने के लिए अकेले नहीं हो पाता है, तो किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। चाहे तो हम मूवर पैकर से पैक कराते हैं या फिर घर में ही किसी से हेल्प ले करके बड़े सामान को पैक कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम पैक करते हैं सामान को खुद से, तो उसको बहुत ही सावधानी से पैक करना होता है, शीशे के सामान को खास करके। बाकी सामान तो आराम से चला जाता है, लेकिन फिर भी जो डेलिकेट फर्नीचर होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से पैक करना होता है। तो ये 4 पैकिंग मटेरियल जो है मैं लेती हूँ, जिसमें कि आपको दिखाया मैंने, गत्ते वाला रोल है और प्लास्टिक रोल है, बबल रैप है और सेलो टेप। और अब देखिए जो ये खिसक गया, तो फिर से इसको सिक्योर करेंगे। सेलो टेप से इसलिए ऊपर नहीं चिपकाऊंगी क्योंकि उसके दाग पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बबल पेपर लगा देते हैं और बबल पेपर के ऊपर से सेलो टेप लगाते हैं, तो उसके ऊपर दाग बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मूवर्स पैकर से जब हम पैक कराते हैं तो वो फटाफट 2 से 3 दिन में, अगर ज़्यादा सामान है तो उन्हें 3 दिन लगता है, बड़े बड़े सामान को 1 दिन करते हैं, किचन और बेडरूम को 1 दिन में निपटा करके, और फिर फ्रिज लास्ट दिन करके वो लोड कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद से सामान पैक करते हैं तो उसकी बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, पूरा अच्छे से उसको सिक्योर करते हैं कि सामान अच्छे से पैक हो जाए। तो पहले इस तरह से देखिए, बबल पेपर लगाया मैंने बेडशीट लगाने के बाद, और अब इसके ऊपर से टेप चिपकाएंगे तो ये स्टैटिक रहेगा, खिसकेगा नहीं। इस तरह से पैकिंग जब हम करते हैं तो ये 4 सामान तो हमें लेना ही पड़ता है, और बाकी के पैकिंग मटेरियल जो रहते हैं पहले वाले उसको भी यूज़ करती हूँ मैं। सारा सामान को फेंकती नहीं हूँ जब हम अनपैक करते हैं, तो जो सामान अच्छे से निकल जाता है, जो अच्छे से अनपैक होता है पैकिंग मटेरियल, उसको रख लेते हैं। और अब देखिए, बबल पेपर को मैंने सेलो टेप से चिपका दिया, और अब इसके ऊपर मैंने कार्टन के गत्ते डाले हैं ताकि शीशे पर किसी भी तरह से जो कुछ, मतलब ट्रक में जब ये लोड होगा तो हिलेगा, तो इसलिए पहले मोटे मोटे गत्ते जो आते हैं कार्टन, उसको फाड़ करके मैंने लगाया है। मोटे गत्ते रहेंगे तो शीशे पर चोट ना लगे, ये टूटे नहीं, इसलिए इस तरह से पहले इसे सेलो टेप से चिपका लिया पूरा। बबल पेपर को चिपकाने के बाद, और अब देखिए पूरी तरह से ये टाइट हो गया। अकेले ये सारा सामान पैक नहीं हो सकता है, 2 आदमी की तो ज़रूरत होती है, इसलिए मैं हेल्प ले रही हूँ और साथ साथ पैकिंग भी कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसे सेलो टेप से चिपका दिया, और अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अब तो जब अनपैक करेंगे उसी समय पता चलेगा कि हमारा सामान कैसे पहुंचा, क्योंकि ये सारे शीशे इस बार मैंने खुद से पैक किए हैं। कई जगह बहुत अच्छे पैकर्स मूवर्स मिल जाते हैं, और कई जगह हमें खुद भी करना पड़ता है क्योंकि उनको बताना है, तो फिर उससे अच्छा है कि खुद ही कर लो, क्योंकि बहुत कॉस्ट हाई है उनका, पैकिंग मटेरियल भी बहुत लगाते हैं वो। इसलिए इस बार मैं थोड़ा खुद से कर रही हूँ, और बाद में जो सामान बचेंगे उनको पैक कराऊंगी। अब ये देखिए, ये जो रोल है, गत्ते वाला रोल, शीशे पर मैंने मोटे गत्ते लगाए हैं कार्टन के, और अब ये रोल इसके ऊपर चढ़ाऊंगी, तो ये रोल जो है ना मूव हो जाता है आराम से। जो कार्टन को काट के हम पैक करते हैं तो वो मुड़ता नहीं है, मतलब फोल्ड नहीं होता है, मूव नहीं, फोल्ड नहीं होता है। और ये वाले जो गत्ते का रोल मैंने मंगवाया है, थोड़ा तो महंगा पड़ता है लेकिन इससे अच्छे से पैक हो जाता है, तो ये रोल बहुत ही ज़रूरी होता है इस तरह के सामान के लिए। तो
तो अब इसके ऊपर ये रोल इस तरह से चढ़ाएंगे, पूरे शीशे में लंबाई में नहीं आ रही है तो इसको नाप करके इस तरह से काटा और अब इसे लगाएंगे, तो इससे वेस्ट भी नहीं होगा हमारा, नाप के करने से अच्छा रहता है। इस तरह से नाप लिया पूरा और अब इसे इस तरह से कट करके और इसे फोल्ड कर देंगे, तो ये गत्ता बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। जो कार्टन वाले गत्ते हम तोड़ के लगाते हैं वो फोल्ड नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से आराम से फोल्ड हो गया और अब इसे भी सेलो टेप से चिपका देंगे। अभी देखते हैं जब हम पहुँचेंगे जहाँ शिफ्ट करना है हमें, वहाँ पहुँच के जब इसे खोलेंगे तभी पता चलेगा कि ये अच्छे से पहुँचा कि नहीं। इस तरह से शीशे की पैकिंग की मैंने, और ये फ्रेम है तो छोटा है तो मैंने सोचा कि इसे मैं पैक कर लेती हूँ अकेले, लेकिन नहीं हो पाया। अकेले अगर हम पैक करेंगे तो वो अच्छे से टाइट नहीं होगा। जो भी सामान हम पैक करते हैं वो बहुत अच्छे से जब टाइट रहता है पूरा तो वो बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। अभी तक जितने भी सामान मैंने कांच के पैक करके एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया है तो वो बिल्कुल भी नहीं नुकसान हुआ है। इस बार फ्रेम मैंने नहीं रखा है, क्रेट बना लेते हैं हम, लेकिन सारे क्रेट मैं हटा दी हूँ क्योंकि अब जो है समय बदलते गया और अब बॉक्स का, पहले जैसे हम पैक करते थे तो बॉक्स में सामान पैक करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ही हटते जा रहा है बॉक्स का सिस्टम, और जो हम सामान पैक कर रहे हैं वो कार्टन में पैक कर रहे हैं। तो बहुत सारे बॉक्स मैंने हटा दिए, सिर्फ कपड़े वाले टिन के बॉक्सेस रखे हैं मैंने, बाकी जो लकड़ी के बॉक्सेस में शीशे के सामान भेजती थी वो सारे मैंने डिस्पोज कर दिए, क्योंकि मूवर्स पैकर्स वाले को लगता है कि ये बहुत हेवी हो जाता है उठाने में भी और शिफ्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए धीरे धीरे करके समय के साथ बदलता गया सब कुछ और इस तरह से अब इस पैकिंग होने लगी। तो ये शीशा पैक हो गया, मतलब हेल्प ले करके सारे शीशे फ्रेम जितने भी थे बड़े बड़े, छोटे वाले तो कार्टन में मैं फ़ोटो वगैरह इसी तरह से बबल रैप से पैक करके पेपर डाल करके पूरा पैक कर दी हूँ, और शीशा बड़े वाले जो है इस तरह से पैक किया। अब पैकिंग जब शुरू होती है तो लगता है एक साथ थोड़ा थोड़ा निपट ले, तो अब ये सोफ़ा जो है इसको पैक करूँगी। तो देखिए मैं सोफ़े के मैट्रेस के नीचे, मतलब जो कुशन है उसके नीचे मैं उसको कवर करने के लिए बेड शीट रख देती हूँ, कहीं भी जाना आना होता है तो इसी को निकाल करके फिर कवर कर देते हैं, और फिर उठा करके ना धो करके फिर इसको नीचे ही रख देती हूँ, ताकि जिस समय हमें सोफ़ा को कवर करना है तो वो आराम से बेड शीट मिल जाता है, अलग से ही रहता है, अगर इधर उधर रख दो तो खोजने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं उसको साथ ही लगा के रख देती हूँ। अब अच्छे से पूरे सोफ़े को मैंने झाड़ लिया, इस बार यहाँ पर मैंने वॉश नहीं कराया क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अर्बन क्लैब ये सब, और दूसरे किसी को बुलाओ तो वो कैसा करेंगे, मुझे वही लगा तो इसलिए पोछ पास दिया, और अब इसे मैं पैक कर दूँगी। अच्छे से डस्ट हटा दिया, डस्टिंग कर दी, और अब इस पर बेड शीट मैं बिछा दूँगी। कुशन जो है सोफ़े के कुशन सारे उसी में लगा दिया, क्योंकि कुशन डालने से फिर वो ऊपर तक आ जाता है, इनका लेबल बराबर हो जाता है, तो नीचे वाले जो गद्दे हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं सोफ़े के, तो जो बाकी और भी कुशन थे दूसरे वो इस तरह से डाल दिया। और भी हम इसमें छोटे छोटे कुछ सामान डाल सकते हैं, जैसे छोटा फ्रेम फोटो ये सब है, लेकिन उसके बजाय मैंने सिर्फ ये मैट्रेस वाला ही, मतलब रुई गद्दे वाला ही सामान डाला, और इस तरह से उसका कुशन डाल करके अब मैं इसे बेडशीट से बांध दूंगी अच्छे से। तो उसके बाद जब ये पैक होगा तो इसमें किसी भी तरह का रस्ट डस्ट नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसी तरह से हमेशा पैक करती हूँ। काफ़ी मतलब बार शिफ्ट किया है सोफ़ा इस तरह से, मैंने शुरू से ही मैंने रखा है अपना, कई बार फर्नीचर हमें अवेलेबल होता है तो नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने अपना फर्नीचर ले लिया। अब तो धीरे धीरे लेना ही पड़ता है सब कुछ, और अब देखिए इसको इस तरह से पूरा बांध देंगे बेडशीट से, तो सारे सोफों को मैंने इसी तरह से बांध लिया है, इसे टाइट करके बांध देंगे और उसके बाद इसकी पैकिंग करेंगे। मेरा जो सोफ़ा है वो 2 सीटर और 1 सीटर है, 3 सीटर मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि बीच का स्पेस हमेशा खाली रह जाता है, इसलिए
मैंने थ्री सीटर नहीं बनाया था, और अभी देखिए ये वन सीटर है और इसमें इस तरह से दोनों तरफ जो कुशन लगे हुए हैं उसमें ये टसल है, तो इसको भी टसल को मतलब कुशन को उलट दूंगी। देखिएगा अभी मैं पैक करूंगी, इसका भी डस्ट इस तरह से हटा लिया सबसे पहले, और डस्टिंग करने के बाद ही मैं पैक करती हूँ। लेकिन मूवर्स पैकर्स वाले इतना नहीं करेंगे, आपका आएंगे फटाफट वो पैक करना शुरू कर देते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं। दो बार मैंने करवाया है मूवर्स पैकर्स से भी, लेकिन वो इस तरह से इतना आपको नहीं ध्यान देंगे पैक करने में। उनका काम है कि बस सामान अच्छे से पैक हो करके और पहुंच जाए, सफाई का उनका कोई जिम्मेवारी नहीं होता है। तो इस तरह से सारे कुशन को हटा करके अब मैं इसे भी डस्ट हटा लूँगी, और इसके बाद इसका ये वाला जो पार्ट है आगे की तरफ वाला वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये टेसल जो है ना टूटेगा नहीं, ऐसे जब लोड होता है तो आपस में टकराता है सामान और ये टूट जाते हैं कई बार, तो इसको घुमा देंगे उस तरफ से, उल्टी तरफ कर देंगे। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना उसको अंदर की तरफ करके, और उसके बाद फिर इसमें भी कुशन डाल करके इसे भी बेडशीट से अच्छे से बांध देंगे। तो इस तरह से मैं सोफे की पैकिंग करती हूँ। इस तरह से जितने भी सोफे मेरे हैं सारे, उसको मैंने अंदर कुशन और डाल करके तकिए वगैरह जो भी थे डाल, थोड़ा हल्का हल्का डाल दिया और बेडशीट से पूरा बांध दिया। अब इसमें बबल पेपर नहीं लगाएंगे क्योंकि सोफ़ा बहुत ही मतलब हेवी हो जाता है, तो इस पर बबल पेपर लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ ऊपर से मैंने गत्ते के रोल से पैक किया, और बाकी जो छोटी छोटी जगह बची थी, पुराना जो पैकिंग मटेरियल रखा था उसको भी लगा करके अच्छे से सेलो टेप से पूरा चिपका करके पैक कर लिया। सारा सोफ़ा मैंने इसी तरह से पैक कर लिया। मूवर्स पैकर्स वाले भी आपको इसी तरह से पैक करेंगे, और इसके ऊपर से वो पतली वाली पन्नी की रोल भी चढ़ाते हैं, तो मैंने अभी नहीं लगाया है, देखूँगी बाद में। उससे लगा देने से बिल्कुल ही सिक्योर हो जाता है। इस तरह से पूरा सोफ़ा सेट मेरा पैक हो गया। अब सेटी पैक करना है, तो सेटी को पैक इसमें मैंने बनवाया है, ये इसके अंदर स्टोरेज रखा है, ऊपर से इस तरह से कुशन लगवा दिया है ताकि ये कहीं भी रखो तो देखने में भी अच्छा लगेगा और स्टोरेज भी हो जाएगा। तो इसको पैक करने के लिए सिर्फ बबल रैप लगाया मैंने, और ऊपर जहाँ पे कुशन था वहाँ पे मैंने गत्ते डाल करके बहुत अच्छे से सेलो टेप से चिपका दिया। बबल रैप का 2-3 लेयर मैंने लगाया है, और ये कैबिनेट में सामने की तरफ कांच है तो इसमें पहले मैंने बबल रैप लगा करके उसके बाद इसमें मोटे वाले गत्ते डाल करके अच्छे से इसे सेलो टेप चिपकाया है, और उसके बाद बंद करने के बाद फिर ऊपर से इसे मैंने बबल पेपर से चिपकाया है और सेलो टेप बहुत अच्छे से लगाया है। अब देखते हैं जब पहुँचेगा तो हमारा सामान ठीक से मतलब पहुँच जाए, कुछ भी डैमेज ना हो, इस तरह से मैंने पैक किया है। और पहुंचने के बाद जब खोलूंगी तभी पता चलेगा कि सामान ठीक ठाक से पहुंचा कि नहीं। इस तरह से देखिए सोफ़ा को मैंने बेडशीट से बांध दिया, और ये सारे जितने भी सेटी और कैबिनेट मैंने बनवाए थे उसको मैंने बबल रैप से पैक किया है कार्टन से। अभी गत्ते का रोल इस पर नहीं चढ़ाया क्योंकि भारी हो जाएगा, अभी देखते हैं बाद में सोचेंगे गत्ते का रोल लगाना है कि नहीं। इसे मैंने पहले नीचे के में गत्ता डाला है, इसके साइज का मतलब डब्बा आ गया तो डाल करके फिर इसके ऊपर मैंने बबल रैप लगाया है, तो वो बड़ा वाला तो अच्छे से पहुंच जाएगा लेकिन छोटे वाले में मैंने गत्ते का रोल नहीं लगाया है। अब सोफ़ा भी पैक हो गया हमारा और ये भी पैक हो गया, तो बड़ा सामान ना अच्छे से पैक हो जाता है, उसमें इतना कुछ झमेला नहीं होता। छोटे छोटे सामान जो होते हैं कपड़े किचन के आइटम, उनको निकालने में डीक्लटरिंग करने में टाइम लगता है, और बड़े सामान को तो बस आपको अच्छे से पैक करना है। तो इस तरह से ये वाला सामान मेरा पैक हो गया, और घर के आइटम छोटे छोटे जो सामान होते हैं बर्तन कपड़े ये सब के लिए मैं कार्टन इस साइज़ का रखती हूँ। इसमें क्या है कि ज़्यादा भारी भी नहीं होता है, एक आदमी आराम से इसे उठा सकता है। इसे नीचे से चिपका दिया, सामान निकालने के बाद फिर इसे
हम रख लेते हैं तो नीचे से खुल जाता है, तो सबसे पहले नीचे से पूरा इसको ठीक से सेलो टेप से अभी देखिए चिपका दिया। और अब इसमें छोटे छोटे जो सामान है ना, जैसे किचन के बर्तन हो गए, जो डेली यूज़ वाले हैं वो सब डालूंगी। बाकी जो क्रॉकरी कटलरी है उसको तो सारे पैकेजिंग रहती है उसी में डाल करके फिर पैक करते हैं। और ये जो है मैट्रेस का है पन्नी, तो मैट्रेस पहले इस पन्नी में चला जाएगा और उसके बाद उसको भी अच्छे से ऊपर से पैक कर देंगे। तो इसी तरह से हमें रखना पड़ता है सारे पैकिंग मटेरियल को, अगर फेंक देंगे तो बहुत मुश्किल होगी दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसीलिए अपना जैसे अनपैकिंग होता है जो सामान ठीक रहता है पैकिंग मटेरियल जैसे कि उसको अच्छे से रख लेते हैं। अब देखिए मैट्रेस को पन्नी में डालने के बाद इसका जो पहले का पैकेजिंग था उसी को हल्का हल्का चिपका दिया और उसके बाद इसके अंदर आराम से मैट्रेस चला गया, बहुत अच्छे से पैक हो गया, दो मैट्रेस एक साथ पैक कर लिया। तो इस तरह से जब हम पैकिंग मटेरियल रखते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सारे सामान पे लिखा भी हुआ है, मैट्रेस का है जैसे सोफे का है तो वो सब लिखा हुआ है तो आराम से मिल जाता है, बस हमें उसे बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है। और अब देखिए कितना रोल, कितना मोटा था ये रोल, सिर्फ अभी सोफा सेटी पैक किया है और कितना कम हो गया, बहुत सारे पैकिंग मटेरियल लग जाते हैं। तो इस बार तो मैं खुद से कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। और ये गत्ते वाला रोल तो बहुत ही हैवी होता है, 15-16 मीटर बताया था उसने, अभी आधा बचा हुआ है। सोफा ही पैक किया है इससे मैंने, और मिरर, और ये पन्नी वाले रोल हैं जिसको कि मैं ऊपर से सामान को सूटकेस ये सब है उस सब में आराम से सिक्योर हो जाता है, तो इस तरह से पैक हो जाता है। पहले जो पैकिंग होती थी वो बोरी वाले जो चट्टी आते थे उससे सूटकेस वगैरह मैंने पैक किया है, लेकिन अभी देख रही हूँ 8 साल से मैं इसी तरह से पैक हो रहा है गत्ते वाले से। और ये कारपेट अच्छे से रोल कर दिया और इसको भी गत्ते के रोल से ही सिर्फ पैक कर दिया, मतलब बहुत अच्छे से पैक हो जाता है सेलो टेप और गत्ते के रोल से, इसलिए बोरी और चट्टी वाला जो सिस्टम था वो हट गया क्योंकि उसमें बहुत गंदगी फैलती थी और हम बहुत ही गंदा महसूस, मतलब अगर उसको छू लिया तो पूरा उड़ता है उसका, तो बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उसको हटा दिया तो बहुत ही हल्का लगता है, रखने में भी आसानी होती है और पैक करने में भी बहुत ही आसानी हो जाती है। इस तरह से ये सारे सामान मैंने पैक कर लिया है और अब जो है बचे हैं बहुत थोड़े सामान, मतलब रह गए हैं जो, लेकिन फिर भी जब सामान पैक करना शुरू करो ना तो उसका लगता है अंत ही नहीं, अभी पर्दा भी निकलेगा, कर्टेन सारे धोने पड़ेंगे, और अभी क्रॉकरी कटलरी तो सारे रख दिए हैं मैंने, ये थोड़ा सा लास्ट में जो बचा है डेली यूज़ का है उसको मैं बाद में पैक करूँगी। इस तरह से मेरा सामान पैक